देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। बंद है, नेट केवल खुला है। कानपुर में परसों एक हृदय विदारक घटना हुई, जिसके बाद है और एक माँ बेटी जलकर से राख हो गई थी। उन दोनों का फिलहाल अंतिम संस्कार हो चुका है, लेकिन इस समय हम कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में हैं। लगातार जो है कांग्रेस की जो महिला कार्यकर्ताएं हैं वो आवाज उठा रही हैं, वो प्रदर्शन कर रही हैं, बुलडोजर बाबा जवाब की नारे लगा रही हैं। कांग्रेस जो है आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उत्तर प्रदेश की सरकार के खिलाफ धरना बना हुआ है। सभी विपक्षी पार्टियां इस घटना के बाद से प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ जो है आप लोग की कार्रवाई जारी है। क्या कुछ मुद्दे हैं जिसको लेकर आप अपना चलाया गया, तो मैं प्रशासन को अवगत कराना चाहती हूँ कि ऐसे केसेस नहीं बढ़े और गरीबों को घर देने की जगह आप घर तोड़ रहे हो। उसको गरीब को तो घर देना चाहिए था ना उसको, और तोड़ दिया, उसने आत्मदाह कर दिया था। अगले बार ये शिखंडी बनेंगे। जो इंसान महिलाओं पे वार करता है वो नपुंसक होता है, ये शिखंडी के रूप में आ गए हैं। इनकी पतन शुरू, इन्होंने उस महिला को मर्डर कराया है और फिर आग लगा के वो कहे कि ये आत्मदाह कर रही है। कोई महिला आत्मदाह नहीं करेगी, वो अपने घर को बचा रही थी, उनको घर देना चाहिए। बदले में वो जान ले रहे हैं, घर भी तोड़ रहे हैं। कौन इनको अधिकार दिया है कि कानून से चर्चा, इनके सामने वो जल रही है, यदि कोई चिड़िया खोता बना ली तो खोता उजाड़ने का हक किसी को नहीं कोई दिया। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी लगातार जो है इस मामले को लेकर प्रदेश सरकार पर हल्ला बोल रही है। तमाम यहाँ पे महिला कार्यकर्ता है कांग्रेस के नारेबाजी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ, और बैनर पोस्टर लेके कार्यकर्ता जो है आगे उतर आ गए। तमाम देख सकते हैं, मैं सरकार से प्रदेश सरकार के खिलाफ बुलडोजर के खिलाफ और लगातार जो है बुलडोजर बाबा जवाब के नारे लगा रहे हैं। बुलडोजर बाबा हो जवाब मांगा जा रहा है, बुलडोजर बाबा नहीं हत्यारा है, बुलडोजर बाबा जवाब दो। आप ज्ञापन देने भी आप लोग जा रहे हैं, क्या जो अगला स्टेप होगा आप लोगों का कांग्रेस की तरफ से? लड़ाई गरीब जनता के लिए उनके घरों को उजाड़ने का काम किया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी खामोश नहीं है। कल इतनी घटना हुई, इसके बाद कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जब गया तो वहाँ पुलिस वालों ने रोक दिया। ये कहाँ का नया है अभी? कानून से देश चलेगा, लोकतंत्र से देश चलेगा या आपकी मनमानी से चलेगा? तो कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता खामोश बैठने वाला है। वो सड़क से लेकर सदन तक पूरी मजबूती से जब तक निकालने का काम किया है वो हमेशा करता है। और सुबह के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाटिल ने पीड़ित परिवारों से बात करी है, उनको न्याय का भरोसा दिलाया है। देखिए, तमाम जितने अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं सभी की मिली भगत के साथ, और अभी जो FIR दर्ज हुआ उसमें DM साहबा का नाम नहीं है। ये बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है। कार्रवाई घटना प्रश्न ये उठता है, घटना क्यों होती? जिस तरीके से आपने पूरे प्रदेश में बुलडोजर राज स्थापित किया है, जिससे आम जनता को डराने का काम, ये सरकार जो है लोगों को डरा के राज करना चाहती है, ये हम ऐसा होने नहीं देंगे।
आदि बहुत ही दुखद घटना है और निंदनीय घटना है। मानवता को स्वीकार करने के बावजूद अगर हम मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो हमें रोकने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि किस तरह की लोकतंत्र पे बुलडोजर तंत्र का विकास करके, आप जानते हैं हम तो राक्षस और भूतकर तो है, बस वहाँ पे बुलडोजर गिरा दिया कर दिया। जो व्यक्ति बड़ी मुश्किल से झुकरपट्टी में रह रहा है उसको गिराने के लिए बुलडोजर भेजा गया, मतलब अमानवीय कृत्य से बड़ा क्या हो सकता है कि बुलडोजर में वहाँ पे आग लग जाती है, बुलडोजर से आप उसको गिरा देते हैं और जलते हुए लोगों बेटा बोल रहा है कि मेरी माँ जल रही है और पुलिस वाला सब भाग जाते हैं। इससे बड़ा जघन्य अपराध मेरे हिसाब से प्रशासनिक आतंक कह सकते हैं इसको, कि इन्होंने सिर्फ पुलिस वालों को अपने डराने के लिए इस्तेमाल किया है। कभी अगर हम आगे बढ़ना चाहेंगे तो हमें रोकने के लिए, जनता की आवाज दबाने के लिए, गरीबों को बताने के लिए, ये गरीबी और गरीब को खत्म करने की सरकार है। यहाँ पे सिर्फ ये 80 करोड़ के नाम पे रोक थोड़े रहते हैं कि 80 करोड़ जनता को ये अन्न दे रहे हैं, अन्न दे के आप उसको मारने का काम कर रहे हैं। आपका अन्न इसीलिए कि घर खिला दोगे, पांच तो इस जनता को, इस देश को बेवकूफ बनाने वाली है सरकार। अब जनता इस बात को अनुसरण नहीं करेगी, हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इस तरह की जो जघन्य अपराध हो रहे हैं के द्वारा कराए जा रहे हैं, छोटी समझी साजिश कि जनवरी में घर गिराया गया था, ये पृष्ठभूमि बहुत पहले से लिखी जा रही थी। आप बताइए किसी व्यक्ति का जनवरी में घर गिराया जाए और फिर उस व्यक्ति की झोपड़पट्टी को तोड़ने के लिए बुलडोजर पहुंच जाए, डीएम साहिबा नृत्य कर रही है, वीडियो आपने देखा होगा। आखिर किसके आदेश में वहां लोग पहुंचे और जो पहुंचे वो बड़े अधिकारी थे, लेकिन जब आपने FIR देखा तो FIR में अज्ञात नाम लिखा है। अज्ञात का मतलब क्या हुआ? आपके पास अपने पुलिस महकमे के लोगों का नाम तक नहीं है, आप अज्ञात नाम से FIR कर रहे हो। तो ये पूरी तरह से सरकार की नाकामी है और गरीबों को सताने वाली सरकार है। मैं सरकार से यही मांग करती हूँ कि कम से कम गरीबों को जीने तो दो, आप उनके लिए नौकरी नहीं करते हो, महंगाई कम नहीं कर सकते हो, कम से कम जीने का तो हम वकील हो। और कांग्रेस इसके लिए हमेशा खड़ी रहेगी उनके साथ, देखते हैं कि उन्हें धन बल और पुलिस बल से, क्योंकि पुलिस को तो आगे कर देते हैं, पुलिस आगे खड़ी, आप देख रहे हैं हम लोग आगे नहीं बढ़ने देंगे, लेकिन हम डरने वाले नहीं है। हम इस सरकार को तब तक घेरते रहेंगे जब तक कि इस घटना के परिप्रेक्ष्य में कौन कौन दोषी और जिम्मेदार है उसके तक सरकार जवाब देते नहीं करती है और उन दोषियों को पकड़ती नहीं। अभी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके अध्यक्ष बिरला खाबरी ने कहा कि आपने राज्यपाल से मिलने के लिए समय मांगा था, लेकिन महामहिम जो है वो मिल नहीं पा रहे, उनका समय नहीं मिल पा रहा है। जी बिल्कुल, हम सभी लोग सुबह से ही इंतजार कर रहे थे कि हमें समय मिले और हम जाए वहाँ पे। हम लोग सुबह से यहाँ पे बस क्योंकि जाहिर सी बात है, जब मुख्यमंत्री प्रशासन हमारा नहीं सुन रहा है तो हमारे पास एक ऑप्शन बचता है राज्यपाल का, लेकिन अब उनके पास भी वक्त नहीं है। वक्त क्यों होगा, क्योंकि अभी तो आपने देखा कि जहाँ वक्त देना वहाँ दे रही है, लेकिन जनता के लिए जिनके द्वारा इस उत्तर प्रदेश की राजनीति की नींव रखी जाती है, चाहते हैं तो मैं राज्यपाल जी अगर हमको सुन रही है तो मैं उनसे भी अनुरोध करना चाहूंगी, कम से कम आप लोग अपने से नीचे जो जनता है उनको देखना शुरू करिए, उनकी आवाज को कम से कम, जो गूंगी बहगी सरकार है उनका आपके जरिए हम चाहते हैं पहुंचाना, तो कम से कम वहां तक पहुंचे, आपकी जनता को बनती बनती जवाब दे दी आपकी बनती है। धन्यवाद। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सीधा ये आरोप लगाया है कि हमें राज्यपाल से जो है मिलने नहीं दिया जा रहा है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के बाहर जो है किस प्रकार से प्रशासन ने अपनी व्यवस्था दुरुस्त कर ली है और इनको रोकने के लिए हम आपको दिखाना चाहेंगे किस प्रकार से पुलिस कर्मियों को तैयार किया गया है। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के बाहर जो है तमाम पुलिस कर्मियों को तैयार किया गया है इनको रोकने के लिए, क्योंकि अभी G20 देशों के सदस्य लखनऊ में मौजूद है और उत्तर प्रदेश की सरकार जो है ऐसा कोई शोर शराबा अभी नहीं चाहती है। तमाम प्रकार की चीजें हम आपको दिखा रहे हैं जिस प्रकार से पुलिस कर्मियों को कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के सामने रखा गया है इनको रोकने के लिए। कांग्रेस पार्टी ज्ञापन देने की बात कर रही है, राज्यपाल से मिलने की बात कर रही है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि महामहिम से मुलाकात का समय निश्चित नहीं हो पा रहा है और महामहिम उनकी सुन नहीं रही है, उनसे मुलाकात के लिए वो तैयार नहीं हो रही है। राज्य सरकार पर बेहद संगीन आरोप लगाते हुए कहा गया कि ये जो सरकार है, जो प्रदेश की सरकार है, वो न तो गरीबों की है, न तो असहायों की है, न तो दलितों की है, किसी की सरकार नहीं, अमीरों की सरकार है और लगातार इस सरकार में गरीबों का, दलितों का उत्पीड़न होता रहा है। अब देश लगातार इस मामले में सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, अब अंतिम संस्कार भी मां बेटी का कर दिया गया है, आगे का इनका क्या कुछ स्टेप होगा?
देखिए अभी कांग्रेस पार्टी जो है अपने दफ्तरों से निकल के राज्यपाल से मिलने की कोशिश करेगी, उनको ज्ञापन देने की कोशिश करेगी, बकायदा इस मुद्दे पे प्रदर्शन करेगी और लगातार इस मुद्दे को सभी विपक्ष पार्टी द्वारा उठाया जा रहा है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस की पार्टी हो, लगातार इस मुद्दे पे अब इस मुद्दे पे विपक्षी पार्टियां एक चुस्त जो है वो घेराबंदी कर रही है सरकार की, योगी सरकार की, और तमाम जो है लोग उतर के आ रहे हैं विपक्षी पार्टियों के साथ इस मुद्दे पर सरकार की घेराबंदी करने के लिए। हम आपको देख आपको दिखा सकते हैं किस प्रकार से जो है कांग्रेस पार्टी में प्रदर्शन जो है वो शुरू हो चुका है, महिला कार्यकर्ताओं से लेकर तमाम सभी लोग जो है इस प्रकार से लगातार नारेबाजी कर रहे हैं कि बुलडोजर बाबा होश में आओ और कानपुर के दोषियों को सजा दो। कांग्रेस पार्टी का सीधा कहना है कि जितने लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लिखी गई है, जितने लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लिखी गई है, तैयार लिखी गई है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और डीएम एस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप इस देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी निकल चुकी है अपने प्रदर्शन को लेकर, तमाम कांग्रेसी नजर आ रहे हैं हाथ में होर्डिंग लिए हुए हैं। मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को पूरी तस्वीर दिखाने की कोशिश करें। हम आपको पूरी तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे मयूरी, किस प्रकार से जो है कांग्रेस अब निकल चुके अपने दफ्तर से और अपने इस मुद्दे पर जो विरोध करने के लिए अंतिम संस्कार कर दिया गया है, उसके बाद भी कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं भारी संख्या में कांग्रेसी मौजूद हैं, सुरक्षा बल भी मौके पर मौजूद हैं, देख सकते हैं हाथापाई करते कांग्रेसी नजर आ रहे हैं, हाथों में बैनर लिए हैं, वहीं बड़ी संख्या में कांग्रेसी मौजूद है और अपना उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। कानपुर देहात में बड़ा हादसा हुआ था जिसमें मां बेटी की दर्दनाक मौत हो गई थी, वहीं सियासी पारा भी लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं हाथापाई करते हुए कांग्रेसी नजर आ रही हैं। क्राइम टीवी लगातार आपको पल पल की तस्वीरें दिखा रहा है।
बता दें उत्तर प्रदेश में व्याप्त बुलडोजर कल्चर ने सोमवार को दो मासूमों की जान ले ली। कानपुर देहात में अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन ने एक झोपड़ी हटाने के लिए बुलडोजर चलवा दिया। इसी दौरान झोपड़ी में आग लग गई और उसमें मौजूद माँ बेटी बुरी तरह से झुलस गया। आग में बुरी तरह झुलसने के कारण दोनों की जान चली गई, जिसके बाद सियासत भी लगातार गर्माती हुई नजर आई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है, आक्रोशित नजर आ रहे हैं कांग्रेसी। बता दें कानपुर देहात हत्याकांड पर कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन हो रहा है। हमारे संवाददाता विवेक आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं। एक बार फिर से मैं विवेक का रुख करूंगी। विवेक, आप मौके पर मौजूद हैं, कांग्रेसी लगातार हाथापाई करते नजर आ रहे हैं, जैसा कि तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है, जो महिला कार्यकर्ताएं हैं, वो एक एक बैरिकेडिंग तोड़ के आगे जा रही है और पुलिस प्रशासन ने लगातार जो है अपनी व्यवस्थाएं दुरुस्त की है इनको रोकने के लिए। इस प्रकार से कानपुर देहात के परसों के घटनाक्रम के बाद तमाम विपक्षी पार्टियां उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को घेरने में जुट गई है। तमाम तरीके की बातें चल रही है, बुलडोजर की कल्चर से लगातार जो है प्रहार किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि यह सरकार जो है वो गरीबों की नहीं है, दलितों की नहीं है, जो पीड़ित है उनकी नहीं, जिसमें सरकार जो अमीरों की है और जो जनता से जो व्यापारी है वो उनकी सरकार है। जनता को सरकार में तमाम तरीके के दुराचार अत्याचार होते रहते हैं, लेकिन सरकार किसी मार के बैठी हुई है। कानपुर चार किसान के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की पार्टी आज प्रदर्शन कर रही है, लगातार कार्यकर्ता कार्यकर्ती तोड़ के आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। पुलिस प्रशासन द्वारा उनको समझाया जाने का रोकने का प्रयास किया जा रहा है। हम कि किस प्रकार से महिला कार्यकर्ता हो और महिला पुलिस बलों के बीच झड़प हो रही है और लगातार जो है अपोजिशन के साथ बैनरों के साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस समिति की टीम जो है वो निकल चुकी है और इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि लगातार महिला कार्यकर्ताओं और महिला पुलिस बलों के बीच ये जो झुंड खिला हुआ है आगे बढ़ने के लिए जारी है। उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ कांग्रेस की आज पूरी टीम जो है सभी कार्यकर्ताओं आज प्रदर्शन के ऊपर आए हैं जो कानपुर देहात में और परसों जो हृदय में विदारा घटना हुई थी। लगातार ये मांग है कि दिया में सकती सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जितने भी लोगों के नाम लिखे गए हैं और अब एफआईआर में रिपोर्ट में उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा हुआ, जिन लोगों के नाम जो है अज्ञात लिखा हुआ है उनका बकायदा नाम तैयार करने की बात जो है कांग्रेस की पार्टी कर रही है। यदि प्रदेश अध्यक्ष जी साहबी ने बताया उन्नाव जिले को एक लोकवादा को रोक दिया गया, कानपुर शहर से 50 किलोमीटर दूर रोक दिया गया था, जबकि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है उनको जाने की अनुमति थी, लेकिन कांग्रेस के जो बड़े नेता है उनको जाने की वहां अनुमति नहीं थी। यह सरकार विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है और लोगों की आवाज को सुनना चाहती है, तो तमाम बड़े आरोप इस परेशान से लगाया। अभी आप देख सकते हैं कि नकुल दुबे जो बैठ गए हैं धरने पे, धरने पे बैठ गए हैं और आप देख सकते हैं कि सरकार की चीजें आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो आगे आकर उसे कवर करने का प्रयास करें। आप देख सकते हैं कांग्रेसी उग्र प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। वही हमारे संवाददाता विवेक मौके पर मौजूद है और लगातार आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, पल पल की अपडेट दे रहे हैं। कानपुर देहात हत्याकांड पर ये कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन हो रहा है, तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं लगातार नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं कांग्रेसी।
बता दें कानपुर देहात के चलहा गांव में सोमवार को पुलिस प्रशासन की टीम ग्राम समाज की जमीन में अवैध कब्जा हटाने पहुंची थी। अतिक्रमण हटाने के दौरान झोपड़ी में आग लग गई और मां बेटी की जिंदा जलकर मौत हो गई। इस घटना के बाद प्रदेश की सियासत काफी गर्मा गई है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, आक्रोशित नजर आ रहे हैं, भारी संख्या में कांग्रेसी मौजूद हैं। कानपुर देहात हत्याकांड पर कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन नजर आ रहा है। नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें लगातार कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन जारी है। कानपुर देहात हत्याकांड पर कांग्रेस का ये उग्र प्रदर्शन हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बैनर लेकर बैठे हुए हैं कांग्रेसी, हाथों में बैनर लेकर नजर आ रहे हैं। बता दें कांग्रेस दफ्तर के बाहर ये प्रदर्शन लगातार हो रहा है, बड़ी संख्या में कांग्रेसी मौजूद हैं, लगातार नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं भारी संख्या में कांग्रेसी मौजूद हैं, लगातार नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस कर्मियों द्वारा उनको रोका जा रहा है, आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता लगातार अपनी मायनों को लेकर और राज्यकर्ता मिलाप मेहरबानी करते हुए आगे निकलने की बात कर रहे हैं। कानपुर देहात के इस घटना के बाद से इस प्रकार के
उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर से गहराई है। सभी विपक्षी पार्टियां उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ लामबंद हो चुकी है। इसके यहाँ देखा जा सकता है कि कई विपक्षी पार्टियां लामबंद होकर प्रदेश सरकार को घेरने का काम कर रही है। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस का झंडा लेके तमाम बैनर लेके और उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ हल्ला बोले हुए हैं। तमाम तरह की नारेबाजियां चल रही है उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ और दिलदूजे का जो कल्चर है उसमें लगातार बात और सवाल उठाया जा रहा है। विशाल खाबरी की अध्यक्षता में आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें बताया गया था कि सरकार से उनको नौ जिले में ही और कानपुर शहर से 50 किलोमीटर दूरी रोक दिया गया था जबकि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उनको जानिए इस समय हमारे उसका कांग्रेस की प्रवक्ता रिपोर्ट साधना जी है। मैम ये बताइए कि आप लगातार जो है ऑपरेशन में बनी हुई है आप लोग को रोका जा रहा है प्रशासन के द्वारा क्या कुछ कहना है आपको इससे? पालिका कानून को झेंगा दिखाते हुए अपने कोरोना कानून को व्यवस्था लागू कर रखी है वो आम आदमी को बढ़ावा दे रही है जिस तरीके से ये कानून है और बहुत ही क्रूर तरीके से बढ़ावा देने को जो है ये जो पार्टी है बेहद तकलीफ दे आज इसीलिए कांग्रेस पार्टी तस्वीरों में आप देख सकते हैं लगातार कांग्रेसी प्रदर्शन कर रहे हैं आक्रोशित नजर आ रहे हैं। कानपुर देहात हत्याकांड पर कांग्रेस का ये उग्र प्रदर्शन हो रहा है। बता दें कांग्रेस दफ्तर के बाहर ये प्रदर्शन लगातार हो रहा है देख सकते हैं आप तस्वीरों में हाथों में बैनर लेके आक्रोशित नजर आ रहे हैं कांग्रेसी अपनी तमाम मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। रोका जा रहा है पुलिस प्रशासन के द्वारा अन्याय है लोकतंत्र तो में हमारा भी है चुका है और ईमानदारी का इच्छा है लेकिन अगर हम उसके हिस्से को निर्वहन करने जा रहे हैं इसको जो है वो सरकार के द्वारा प्रशासन के द्वारा तानाशाही के दम से रोका जा रहा है। आगे हमारे लगातार जो है इस बात की तहरीर करके ये दिखाएंगे हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता रिपोर्ट साधना जी दोबारा से जुड़ गई है। मैंने आपको पुलिस प्रशासन जो है लगातार कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है परसों की घटना को लेकर आप लोगों का प्रदर्शन जारी है क्या कुछ कहना है इसके? देखिए न्याय परिवार को न्याय मिलना चाहिए हम लोग की यही मांग है। जिस तरीके से ये घटना घटी है वे बेहद विभत्स है और जिस तरीके से हमारे के जो डेलीगेशन है उसको भी पुलिस जो है इतनी दूर घटना के बाद आज इस तरीके की जो है ये जो तानाशाही अपराध इस तरह उसके संजय सरकार डरी हुई है विपक्ष को कोई भी मुद्दे पे बोलने नहीं दे रही है। आज हालात ये बना दिए कि कोई भी आम आदमी आवाज नहीं उठा सकता विपक्ष को भी इन लोग ने जो है दबाया हुआ है तो ये आवाज को चलने की राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलेगी। सरकार इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किस कांग्रेस की जो प्रवक्ता रहे पाटीदार उन्होंने साफ बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लोगों की आवाज को काम किया जा रहा है। जो परसों की जो घटना है उसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतर चुके हैं अपना विरोध कर रहे हैं प्रदर्शन दिखा रहे हैं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा बड़े पदाधिकारियों के द्वारा भी ये बात कही जा रही है कि लोकतंत्र में उनका भी एक हिस्सा है उन्होंने भी काफी समय तक सरकारें चलाई है लेकिन इस प्रकार की अव्यवस्थाओं का सामना पहले पहली बार करना पड़ रहा है। सरकार पूरी तरीके से तानाशाही हो चुकी है जमदम करता है किसी के घर पे बुलडोजर चलवा दिया जाता है। कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। मैं अपने सभी से कहूंगा कि प्रदर्शनों को दिखाया जाए इस प्रकार के प्रदर्शन अभी तक चल रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार जो है अपनी आवाज बुलंद किए हुए हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के कानों तक अपनी आवाजों को पहुंचाना चाहते हैं। आप लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे आपको जो है रोक दिया गया है आने जाए यहाँ से जाने के लिए आगे जो है क्या स्टेप उठाया जाएगा अगर आपको यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दिया? ये अत्याचारी और तानाशाही सरकार हमारी जो मूलभूत जो हमें अधिकार मिला है उनको संवैधानिक अधिकार है उससे छीन रही है। कांग्रेस पार्टी शांतिपूर्वक राज्यपाल से मिलकर अपना ज्ञापन देना चाहती है तो उनको इस सरकार को क्या परेशानी है? जिस तरह से दो लोगों की जान चली गई आप देखिए ये अत्याचारी सरकार उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है। हम कांग्रेस जब रोक रही है तो हम अपना नारियों के समर्थन में खड़ी है और खड़े रहेंगे डटे रहेंगे। कांग्रेस हमारे राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी को जो संदेश दिया अगर देश में कहीं पर अत्याचार होगा तो हम कांग्रेस ही खड़े होंगे कोई खड़ा होगा।
आपके लिए इंसाफ नहीं मिलेगा। और अगर कांग्रेसी कटे में है तो उनको रोका जा रहा है और देखिए किस तरह से पुलिस को आगे करके कांग्रेस को रोक दिया गया है, जबकि हम शांतिपूर्वक जा रहे हैं, हम शांतिपूर्वक जा रहे हैं। घटना को देखने के बाद किसी भी मानवीय विचारधारा व्यक्ति के रोवे सभी के कांप उठे। उस घटना को देख के सभी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार को निंदा से हम लोग उसके लिए संसार है, उनको सकते हैं। आज उसी क्रम में उसी के पीड़ित परिवार को राहत देने के लिए, उसके आंसू पोंछने के लिए कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कानपुर जा रहे थे, लेकिन प्रशासन द्वारा नहीं जाने दिया। आज राज्यपाल जी से समय मांगा गया था, लेकिन समय नहीं दिया। आज हम लोग उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय से और राज्यपाल भवन तक पैदल मार्च शांति मार्च तरीके से जाकर के अपना विरोध प्रदर्शन करना चाहते थे और पीड़ित परिवार के लिए मांग करना चाहते हैं कि लगभग 1 करोड़ रुपया उस पीड़ित परिवार को दिया जाए और उसके दोनों बेटों को सरकारी नौकरी दिया जाए। इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ये करने के बाद वो जो पाप और उसको भोगेगी, जो कमजोर और कमजोर परिवार की छोकरी को जेसीबी से हटाने और चलाने का काम किया है, उसका कांग्रेस पार्टी निंदा करती है। यही मांग महामहिम राज्यपाल जी की है। आज किसानों, नौजवानों, दलितों, मुस्लिमों, गरीब काम हो, तमाम जब काम हो रहा है अपराध है। उस गरीब काम मर के एक बेटी और उसकी माँ चल गई और इन लोगों के अंदर संवेदनाएं नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बहुत हिंदुवादी सरकार बनती है, वो गरीब परिवार, कमजोर परिवार जिसकी झोपड़ पट्टी में आग लगा के उसको जेसीबी से गिराने का काम किया गया, आज पूरा देश देख रहा है। इसका जवाब 2024-2027 में जनता देगी। जनता के पास जो संविधान की ताकत कांग्रेस को वोट देने का कांग्रेस की पार्टी ने दिया था, उसका प्रयोग करेंगे। उनको कुछ लोगों के खिलाफ आपका यार भी दर्ज हो गई है और क्या कुछ मांगे हैं कांग्रेस पार्टी का? कोई जो जिम्मेदार लोग हैं, जो DMSSP हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं उनको बचाया गया। हमें उसका आनापूर्ति भारतीय जनता पार्टी करती है, आनापूर्ति करके उन लोगों को, बड़े लोगों को बचाने का काम करती है। आगे क्या स्टेप होगा आपसे? अगर आप लगातार लगातार इस मुद्दे को, जब तक उस परिवार को 1 करोड़ रुपए और पीड़ित परिवार के 2 नौकरियां नहीं मिलेंगी, कांग्रेस पार्टी इस परिवार के साथ संविधानों में खड़ी रहेगी। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ता लगातार अपनी मांगों पे बने हुए हैं और पीड़ित परिवार को 1 करोड़ के मुआवजे और 2 व्यक्ति की नौकरी की बात कर रहे हैं। लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता इस प्रदर्शन के बाद गुहार लगा रहे हैं, लेकिन इस प्रशासन के द्वारा उनके दफ्तर के थोड़ी दूर पहले ही रोक दिया गया है। मैं अपने सहयोगियों से कहूंगा कि पूरे कार्यकर्ताओं को वीडियो को दिखाया जाए। इस प्रकार से आप प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पे बैठे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार जो है इस मुद्दे को लेकर उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ रही है और उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा हम आपको दिखा सकते हैं। तमाम जो कार्यकर्ता है जो आज सड़क तोड़कर आए हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस की,
इस प्रकार से लगता है कि कांग्रेस पार्टी में ज्ञान शिक्षक जो लगातार नारेबाजी हो रही है, कांग्रेस के झंडे लगे हुए हैं, बैनर लगे हुए हैं, जिसमें कानपुर दोषियों को सजा की मांग की जा रही है, बुलडोजर कल्चर को सवाल उठाया जा रहा है, तमाम तरह की चीजें हैं। और कांग्रेस पार्टी द्वारा लगातार ये मांग है कि पूरी परिवार को कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए और उसके परिवार में 2 लोगों को नौकरी दी जाए। प्रदेश सरकार की यह मांग है, इस मांग को ज्ञापन देने के लिए, इस मांग को रखने के लिए महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिलने के लिए वो निकले थे, लेकिन दफ्तर के बाहर ही जो है उन्हें रोक लिया गया है पुलिस प्रशासन द्वारा। और इसके बाद गुजरात कादरी के नेतृत्व में सभी जो है सड़क पर बैठ गए हैं और धरना देते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा जितने भी लोग जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई की बात कही जा रही है, जिम्मेदार लोगों पर लगातार कार्रवाई की बात की जा रही है। और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का मुद्दा उठा रही है, उसका प्रदेश में सियासी सरगर्मियां जो है इस मुद्दे को लेकर तेज हो गई है। लगातार विपक्ष इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश की सरकार को घेरने की बात करता है, क्योंकि जो पीड़ित परिवार है वो ब्राह्मण समुदाय से आता है और लगातार ब्राह्मण वर्ग की राजनीति भी उत्तर प्रदेश में चलती रहती है। हर प्रकार के हर पार्टियां जो है वो बैंक को साधने के लिए लगातार अलग अलग योजनाएं लाती रहती है, अलग अलग लोगों को अलग अलग वोटों में चेंज करने के लिए सभी पार्टियां सक्षम रहती है। कांग्रेस पार्टी जो है अभी सड़क पर बैठ कर प्रदर्शन कर रही है। इस चीज को लेकर मैं अपनी जरूर बताऊंगा की तमाम तरीके की जो कवरेज है उसको बताया जाए, किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता प्रवक्ता बड़े पदाधिकारी एक साथ सड़क पर बैठ कर प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार जो है प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करके अपनी मांगें रख रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि प्रदेश सरकार की अब नहीं चलेगी। कांग्रेस की पार्टी आज इसके बर्खास्त नहीं करने वाली है। यह जो प्रदेश सरकार है पवित्र सरकार है, इसके आला अफसर जो है अधिकारी जो है अब तानाशाह हो चुके हैं और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए आज कर रही, लेकिन जो अगला वर्ग है जो पीड़ित वर्ग है, जो असहाय वर्ग है, उसकी प्रदेश सरकार में नहीं सुनी जा रही है। वही जो दबंग है, जो बाहुबली है, जो अमीर वर्ग है, उनका बोलबाला इस सरकार में है। तमाम अधिकारियों पर भी गाज गिरती नजर आ रही है, कार्यकर्ता जो है अधिकारियों को भी आड़े हाथ ले रहे हैं, उन पर जो है कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, क्योंकि लोगों पर अज्ञात नाम से शिकायतें दर्ज की गई है, फरियाद दिखाई गई है। लेकिन जिस प्रकार की चीजें चल रही है और कांग्रेस की पार्टी सड़क पर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर है, उनको आगे जाकर ज्ञापन नहीं देने दिया जा रहा है, राज्यपाल से मिलने नहीं दिया जा रहा है, पुलिस प्रशासन लगातार उनको रोकने में लगा हुआ है और अपने ऑफिस कांग्रेस के पार्टी मुख्यालय उत्तर प्रदेश के पार्टी मुख्यालय के बाहर थोड़ी भी उनको जो है रोक लिया गया है, बैरिकेडिंग लगाकर बकायदा पुलिस प्रशासन ने रोका है और सभी लोग जो है यहाँ पे बैठ गए हैं धरने प्रदर्शन पर। विवेक, लगातार कांग्रेसी प्रदर्शन कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें रोक दिया जा रहा है। जी मयूरी, पिछले आधे घंटे से यह प्रदर्शन जारी है, लगातार नारेबाजी हो रही है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा। गुजरात खादरी के नेतृत्व में कांग्रेस के तमाम बड़े कार्यकर्ता, क्रांति अध्यक्ष, प्रवक्ता और जितने भी कांग्रेसी हैं सब जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसको उनको जाने नहीं दिया जा रहा है। वो लगातार ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने संविधान बनाने में काफी सक्रिय भूमिका निभाई थी और संविधान का दुरुपयोग जो है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में कर रही है। कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि लोकतंत्र में उनका भी एक अहम हिस्सा है, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्य का हनन उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार लगातार करते आई है अपने दूसरे कार्यकाल में भी, यह हनन लोकतांत्रिक मूल्य का हनन जारी है। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा किस प्रकार से कार्यकर्ता जो है पूरे जोश के साथ नारेबाजी कर रहे हैं, युवा कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ नारेबाजी कर रही है, महिला कार्यकर्ताएं, महिला प्रवक्ताएं रहती हुई है, लगातार कांग्रेस के झंडे जो है दिखा के तमाम जो है उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी ऑपरेशन किया जा रहा है। कानपुर जांच के परसों की जो घटना हुई थी उससे विपक्ष जो है उत्तर प्रदेश सरकार को घेरने की कोशिश किया हुआ मयूरी। रखिएगा
बता दें लगातार कांग्रेसी उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कांग्रेस दफ्तर के बाहर प्रदर्शन हो रहा है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। वहीं हमारे संवाददाता विवेक शाही मौके पर मौजूद हैं और लगातार आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में कांग्रेसी मौजूद हैं। उग्र प्रदर्शन लगातार जारी है, आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है लगातार, लेकिन उन्हें प्रशासन द्वारा रोक दिया जा रहा है। बैनर लेकर भारी संख्या में मौजूद है कांग्रेसी, देख सकते हैं आप। बता दें कानपुर देहात में बड़ा हादसा हुआ था जिसमें मां बेटी की दर्दनाक मौत हो गई थी। वहीं लगातार सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कांग्रेस का लगातार प्रदर्शन जारी है। वहीं एक बार फिर से मैं संवाददाता विवेक का रुख करूंगी। विवेक, एक बार फिर से आप हमारे दर्शकों को लाइव तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें। ये लाइव फुटेज दिखाई गया किस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष भूपाल खाबरी के नेतृत्व में तमाम कांग्रेसी जो है सड़क पर बैठ कर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ उनकी नारेबाजी जारी है। अगर बात करें कि महिला कार्यकर्ताओं से लेकर सभी ने इसमें एक अहम हिस्सेदारी निभाई है, लगातार प्रदर्शन जारी की जा रही है और हम आगे भी देखेंगे कि किस प्रकार से कांग्रेस अपनी रणनीति पर विचार कर रही है। तमाम जो है प्रदर्शन जो है युवा कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है, एक अपनी आवाज को उठाने का कांग्रेस पार्टी अब आवाज के बुलंद आवाज को उत्तर प्रदेश सरकार के कानों में उठाना चाहती है। लगातार ये आरोप लगा रही है कि उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार विपक्ष की आवाज दबाने की बात करती है, लगातार विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। कल उन्नाव जिले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को रोक लिया गया, कानपुर शहर के 50 किलोमीटर पहले एक टोल नाके पर रोक लिया गया, उनको जो है घटनास्थल पर जाने की अनुमति प्रशासन के द्वारा नहीं दी गई। वही उन्होंने ये बड़ा आरोप भी लगाया है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार वहां पे जा रहे थे और जो खोज कमेटा को खोलने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जा रहे थे उनको प्रशासन के द्वारा रोक लिया गया था। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि तमाम जो है लोग यहाँ पे इस प्रकार के प्रदर्शन में शामिल है, लगातार कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन में शामिल है, धरना प्रदर्शन। विवेक, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, लौटते हैं। वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, बने रहिएगा प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।